हेलो स्टूडेंट्स, मैं संपरा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके लिए आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पता होने के बाद आप इस वीडियो में जो आगे वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है रिकर्सिव इन ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, और वो रिकर्सिवली कैसे वर्क होता है इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने एक फर्स्ट वाला एग्जांपल, सिंपल वाला एग्जांपल इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे अभी दूसरा एग्जांपल आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और उसके बाद बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स, जिसमें से मैं इस वीडियो सेशन में फोकस कर रही हूँ इन ऑर्डर पे, जिसका सीक्वेंस होता है लेफ्ट, रूट नोड एंड राइट नोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम, जहाँ पे मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर फंक्शन को डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो ही हमें ये आगे की स्टेप्स परफॉर्म करनी है, अदरवाइज अगर रूट नोड नल है तो हमें एग्जिट हो जाना है फंक्शन से। पर अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो हमें इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है, और उसके लिए हमें पैरामीटर पास करना है लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करके लेना है। तो हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास कर लेना है, तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा रूट। फिर से हमें कंडीशन चेक करनी होगी, रूट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो ट्रू है तो फिर से उसको, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको पास कर देंगे, अगर उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसका मतलब हम नल पास कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आपका हो गया फॉल्स। वो रिटर्न आके करंट जो रूट नोड है आपका उसको प्रोसेस कर लेगा, और उसका अगर राइट चाइल्ड है तो उसको वो पास कर लेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखते समय अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं यही सारी चीजें आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम ये इस एग्जांपल को मैं रिकर्सिवली कैसे हम ट्रेस करते हैं फंक्शन वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे बॉटम पे मैं आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डिस्प्ले कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन, इस ट्री को इन ऑर्डर हमारा जो ट्रैवर्सल है वो क्या आता है वो आपको अगर पता है तो आप एक साइड पे लिख के लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, अगर आपको थियोरेटिकली पता है। अगर आपको वो पता नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसपे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं कि हमें अगर कौन सा भी ट्री हमारे पास है तो हमें उसको इन ऑर्डर में कैसे ट्रैवर्स करना है। तो आप उसे भी आप देख सकते हो, और फिर से ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं खासकर आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एल्गोरिदम कैसे होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम अगर आपको पता है रिकर्शन क्या होता है, तो रिकर्शन ऐसे होता है कि वो खुद को ही हम कॉल करता रहता है कंटिन्यूअसली, और हर एक टाइम हर एक वेरिएबल की अलग से वो कॉपी बनाता है। तो मैं वही चीजें सभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर लिया एवरी टाइम, जो कि आपका वेरिएबल है। मैं हर एक टाइम यहाँ पे आपको हर एक बॉक्स में करंटली कौन सा रूट नोड है वो आपको बताने वाली हूँ। तो हमें रूट नोड 10 से स्टार्ट करना है, तो ये हो गया हमारा 10, और उसके बाद हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करके उसको लेफ्ट चाइल्ड पास करना है 10 का लेफ्ट चाइल्ड। तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 20। तो ये अभी पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, फिर भी इस ब्लॉक से हमें जंप करना है अनदर ब्लॉक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वही चीजें आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया, नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया आपके फंक्शन का, जिसपे मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया है और उसका रूट नोड अभी है 20।
ये जो विंडो है इसमें सिर्फ रूट नोड 10 के लिए काम होगा। अभी इस विंडो में आपको जो रूट नोड है वो 20 है और उसके हिसाब से सारी चीजें होगी। 20 का लेफ्ट चाइल्ड, 20 एज अ रूट नोड एंड 20 का राइट चाइल्ड एंड सो ऑन। आप देख सकते हो मैंने यही सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। पहले सबसे पहले हमें चेक करना है रूट अगर नल नहीं है तो हमें रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करना है और उसको लेफ्ट चाइल्ड पास कर देना है। उसको लेफ्ट चाइल्ड पास करने के बाद अभी आप देख सकते हो 20 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब अल्टीमेटली 20 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर से उस फंक्शन से, उस विंडो से बाहर आके नल जो आपका रूट नोड है अभी फिर से वो फंक्शन कॉल होगा और रूट नोड आपका नल हो जाएगा। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब है वो फंक्शन से इस फंक्शन से बाहर होके वो फिर से रिटर्न आ जाएगा जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था। तो ये देखो आप रिटर्न आ गए हो फिर से, जिसमें आपका फिर से रूट नोड जो है 20। अभी फिलहाल आपका रूट नोड था नल, पर अगर नल है तो हमें फिर से रिटर्न आके जाना है जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था। तो आपका रूट नोड अभी हो गया है 20। तो आपका रूट नोड अगर 20 हो गया है तो आप यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है और नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड है। तो आप यहाँ पे रूट नोड को प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब आपको डिस्प्ले करना है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो करंट रूट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप को जाएगा, स्टेप नंबर 3, और यहाँ पे हमें राइट चाइल्ड को पास करना है इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करने के लिए। तो अभी 20 का राइट चाइल्ड क्या है, 30। तो आप देख सकते हो फिर से हमें ये विंडो छोड़ के नेक्स्ट विंडो में शिफ्ट होना है जहां पे आपका रूट नोड होगा 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो गया आपका नया एनवायरमेंट जिसमें आपका रूट नोड है 30। अभी फिर से हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, रूट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर रूट नल नहीं है तो हमें इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड हमें रिकर्सिवली पास करना है इन ऑर्डर फंक्शन को। तो 30 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 50। इसका मतलब है फिर से हमें इस एनवायरमेंट से कुछ अलग एनवायरमेंट में जाना है जहां पे आपका रूट नोड होगा 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिर से नया एनवायरमेंट क्रिएट हो गया जिसमें रूट नोड है आपका 50। अभी फिर से चेक करना है रूट नोड अगर आपका नल है, नल नहीं है इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फिर से हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है रिकर्सिवली इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करके हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। अभी आप देख सकते हो 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब कि आपका लेफ्ट चाइल्ड जो है 50 का वो नल है। तो आप देख सकते हो ये हो गया नल, फिर से ये रिटर्न आ गया और वही नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो करंट रूट अभी क्या है, करंटली ये एक्टिव है, ये एनवायरमेंट एक्टिव है जिसका रूट नोड है 50। तो ये 50 आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो। तो ये हो गया आपका 50 डिस्प्ले। नेक्स्ट स्टेप पे जाके 50 का राइट चाइल्ड आपको चेक करना है। अभी आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है वो नल है। तो यहाँ पे नल आया, इसके लिए वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, इफ कंडीशन पहले कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी अगर आप पहले फंक्शन जो हम एक एक करके यहाँ से यहाँ पे आ गए तो आप अगर देख सकते हो तो नोटिस कर सकते हो कि ये फंक्शन अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पर ये अभी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो कुछ मेमोरी यहाँ पे अलॉट हुई है वो पूरी रिलीज होके पूरा ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है उसका कर्सर जहां से हमने उसको इसी फंक्शन को कॉल किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ब्लॉक कहाँ से इनिशिएट हुआ है, ये वाले ब्लॉक से जहां पे हमारा रूट नोड था 30। तो ये पूरा खत्म होने के बाद ये इसी ब्लॉक पे रिटर्न आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ से रिटर्न आ गया। ये यहाँ से रिटर्न आने के बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है जो प्रोसेसिंग है रूट नोड का। अभी कौन सा रूट नोड प्रोसेस होगा, अभी ये हमारा ब्लॉक एक्टिव है, ये विंडो एक्टिव है, तो इस विंडो में जो आपका रूट नोड है वही प्रोसेस हो जाएगा। तो वो कौन सा है रूट नोड, अभी 30। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने 30 डिस्प्ले कर लिया। अभी इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिर से इन ऑर्डर
हमें रिकर्सिवली कॉर करना है, पर हमें अभी क्या करना है, हमें राइट चाइल्ड को पास करना है क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिक्वेंस होता है लेफ्ट तो हो गया, रूट नोड भी हो गया और अभी राइट की बारी है। तो अभी आप देख सकते हो 30 का राइट चाइल्ड क्या है, हमारा नोड 60 है। तो आप नोटिस करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ये हम यहाँ पे अभी यहाँ से हमें कहाँ मूव होना है, नेक्स्ट और नए विंडो में, ब्लॉक में, जहां तक कि रूट नोड का सवाल है। तो इस ब्लॉक के लिए हमारा रूट नोड जो है वो है 60, क्योंकि हमने यहाँ से राइट चाइल्ड को पास किया है। तो 30 का राइट चाइल्ड जो है 60 और वो अभी हमारा रूट नोड बन गया है। रूट नोड बनने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना है कि रूट नोड हमारा नल है या नहीं। तो रूट नोड नल नहीं है तो हमें फिर से उसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी उसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करने के बाद हमारा 60 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 60 का लेफ्ट चाइल्ड है नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नल है, इसके लिए वो रिटर्न आ जाएगा और रिटर्न आने के बाद वो प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी कर लिया है। प्रोसेस करने के बाद हमें आगे जाना है और आगे जाके हमें उसके राइट चाइल्ड को पास करना है। अभी 60 का राइट चाइल्ड भी नल है इसलिए वो फिर से रिटर्न आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फंक्शन कम्प्लीशन। अभी ये फंक्शन कम्प्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे जाएगा। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, जब आपका था ये रूट नोड जो था वो यहाँ पे था 50 से वो 30 को रिटर्न आ गया, वैसे ही अभी मैंने 60 पे हूँ, मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया है। कहाँ से ये ब्लॉक कॉल किया था, तो जहाँ तक कि इस ब्लॉक के कॉलिंग का सवाल है, जब रूट नोड 30 था वहां से कॉल किया था वो, तो ये फंक्शन फिर से रिटर्न उसी ब्लॉक को जाएगा पर उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के। तो आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यस, तो ये जो कंप्लीट हो गया है वहां से वो रिटर्न होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जहां तक कि रूट नोड 30 था। तो ये हो गया और उसके बाद हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फिर से आपको ध्यान देना है कि हमें ये 30 का ब्लॉक कहां से कॉल किया था। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि जहां रूट नोड 20 था, आप देख सकते हो यहाँ पे रूट नोड 20 था, वहां से मैंने ये 30 को कॉल किया था। तो अभी ये पूरा हो गया है, हमारा ये एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है। तो हमें यहाँ से रिटर्न कहाँ पे जाना है, तो हमें यहाँ से रिटर्न फिर से इस ब्लॉक पे जाना है जिसमें मेरा रूट नोड 20 था, क्योंकि यहाँ से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था। तो आप फिर से ऑब्जर्व करो कि हम यहाँ पे 30 से फिर से इस ब्लॉक में जा रहे हैं जिसका रूट नोड था 20। तो ये भी अभी कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट होने के बाद अभी फिर से क्या होने वाला है, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इसको कहाँ पे जाना होगा, इसको फिर से इस ब्लॉक में जाना होगा क्योंकि 10 से हमने 20 को कॉल किया था। तो आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मैंने जो ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ से मैंने फिर से इस ब्लॉक को कॉल किया, इस ब्लॉक रिटर्न किया मैंने और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अभी जा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा रूट नोड प्रोसेस होगा, तो जो एक्टिव ब्लॉक है उसमें जो रूट नोड है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 को प्रोसेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें फिर से 10 के राइट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी 10 का राइट चाइल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे 40 है, तो फिर से यहाँ से हमें जंप करना है अगले वाले और नए ब्लॉक में जहां पे रूट नोड हमारा है 40। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया और रूट नोड हो गया हमारा 40। फिलहाल आप देख सकते हो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, ये फिर भी अभी भी इनकम्प्लीट है। अभी यहाँ से हमने इस फंक्शन को जंप कर लिया है, कर्सर हमने यहाँ से जहां रूट नोड 10 था वहां से रूट नोड 40 को जंप कर लिया है और कंडीशन चेक करनी है रूट नोड हमारा नल है या नहीं। तो रूट नोड हमारा नल अभी नहीं है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो हमें रिकर्सिवली इन ऑर्डर को कॉल करना है वो है लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी 40 का लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो वो नल है, तो अगर वो नल है तो वो नल पे जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रिटर्न आ जाएगा। तो हमारा है अभी नेक्स्ट वाला कंडीशन और नेक्स्ट वाला स्टेप जो है प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। तो कौन से रूट नोड को प्रोसेस करेगा, एक्टिव विंडो, एक्टिव ब्लॉक का जो रूट नोड है
उसको वो प्रोसेस करेगा। तो हमारा रूट नोड है 40। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगला वाला स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड है, तो यहाँ पे मैंने 40 प्रोसेस कर लिया। 40 को प्रोसेस करने के बाद वो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को जाने के बाद ये जो है आपका वो है आपका इन ऑर्डर फिर से रिकर्सिवली कॉल करना है, जहां पे हमें 40 का राइट चाइल्ड पास करना है। अभी 40 आप देख सकते हो 40 का राइट चाइल्ड क्या है, 40 का राइट चाइल्ड जो है वो है नल। तो फिर से हमें यहां से नल को कॉल करना है और वो रिटर्न आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और यहां पे आप देख सकते हो कि मेरा फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी यहां से उसे कहां पे जाना है, यस यू आर वेरी करेक्ट, तो यहां से हमें फिर से यहां इस ब्लॉक को जाना है जहां से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यही सारी चीजें मैंने यहां पे एनिमेशन के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। तो ये हो गया यहाँ पे रिटर्न और ये पूरा एग्जीक्यूशन अभी खत्म हो गया है। और आप देख सकते हो कि ये फंक्शन भी पूरा अभी हमारा खत्म हो गया है और इसका मतलब है कि हमने पूरा ट्री यहाँ पे इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लिया है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका हो गया 20, उसके बाद क्या आता है 50, उसके बाद आता है 30, देन 60, उसके बाद आता है 10 और सबसे लास्ट में होता है आपका 40। तो इस तरह आप कौन सा भी ट्री अगर आपके पास हो तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ रिकर्शन ऐसे आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट देना ना भूलिए। अगर आपको कुछ उसमें ज्यादा और एडिशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं उसके साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर अब तक मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक ये भी दे रही हूँ, अगले वाले वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी दे रही हूँ। प्लीज अगले वाले वीडियो का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट भी दे रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद टेक टॉक्स। थैंक यू।